नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त फ्रेंड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसे आप एमारिलिस प्लांट को घर पे पॉट पे लगाएंगे, उसका केयर के बारे में बात करूंगी। फ्रेंड, इस प्लांट को आप पॉट में और गार्डन में भी लगा सकते हैं। एमारिलिस जो प्लांट है वो असल में लिली का ग्रुप का नहीं है, ये ओरिजिनल लिली नहीं है। ये बहुत सारे कलर में आता है और डबल पेटल सिंगल पेटल में आता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अपडेट के साथ। फ्रेंड, ये प्लांट खुद का प्रोपागेशन बल्ब से और सीड से करता है। बल्ब से अगर आप इस प्लांट को लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपका प्लांट लग जाएगा। बल्ब से लगाने से पहले आपको ये देखना है कि जब आप बल्ब सिलेक्ट करेंगे तो बड़ा बल्ब होना चाहिए। छोटा बल्ब से ये प्लांट में फूल आने में देर हो जाता है। और बल्ब को आप ज़्यादा मत दबाइएगा, थोड़ा ऊपर रखिएगा मिट्टी से। ये समर का फ्लावर है, अब अभी इसका फ्लावरिंग टाइम है। मेरे पास इसका दो ही कलर है अभी और दो ही सिंगल पेटल है, एक रेड है और एक पिंक है। तो फ्रेंड, इसको इसके सॉइल के बारे में बात करते हैं। इसको वेल्डन सॉइल चाहिए। इसका जो सॉइल मिक्सिंग मैंने लिया है वो है 50% गार्डन सॉइल, 25% मैंने कंपोस्ट मिलाया है और 25% मैंने इसमें सेंट मिलाया है। आपके पास अगर कोकोपीट है तो आप मिला सकते हैं। इसके जो सॉइल मिक्सिंग है उसमें मैंने एक पॉट में 2 चम्मच बोन मील मिलाया है। इससे फूल का जो फ्लावर है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। बोन मील में बहुत सारे कैल्शियम और फॉस्फरस होता है इसीलिए। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो लेके मिलती हूँ।